नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जेडीयू का फुल फॉर्म जनता दल यूनाइटेड नहीं बल्कि जहरीला दल यूनिट है, और ये नाम जो है ये भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी को दिया है। मैं आपको बताया कि छपरा में हुए जहरीले शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है, चारों तरफ से उन पर कटाक्ष और हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने जेडीयू का नया नामकरण कर दिया है, और इस नामकरण में जो है जेडीयू का फुल फॉर्म जो है वो जनता दल यूनाइटेड से चेंज करके जहरीला दल यूनिट कर दिया है। आपको बताया कि भाजपा के एक नेता ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में लिखा है कि जेडीयू का जो फुल फॉर्म है वो है जनता दल यूनाइटेड नहीं बल्कि जहरीला दल यूनिट। दिन आपको बताया कि बिहार में के छपरा में शराब कांड का जो जहरीला शराब कांड हुआ है, इसमें अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, और इसे लेकर विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार को चारों तरफ से घेरते नजर आ रही है। और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी चौतरफा घेरा जा रहा है। बिहार में शराब से हुई दर्जनों मौतों के बाद विपक्षी दल भाजपा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को जोरदार तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। शराबबंदी मुद्दे पर हो रही इस राजनीति में अब भाजपा ने कहा है कि जदयू का नाम ही जहरीला दारू यूनिट है। यह कहना है भाजपा के विधायक पवन जायसवाल का। शिवहर के ढाका से भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने ट्विटर कर जदयू को निशाने पर लिया है। उन्होंने लिखा है जदयू का फुल फॉर्म जहरीला दारू यूनिट है। छपरा में जहरीली शराब पीने से 72 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर विधानसभा में भी पिछले दो दिनों के दौरान जोरदार हंगामा देखा गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर सदन में काफ़ी ज़ोरदार तरीके से शराबबंदी के पक्ष में अपनी बात रखी और भाजपा को ही निशाने में ले लिया। हालांकि भाजपा ने पहले सदन के भीतर और फिर सड़क पर भी अपना संघर्ष किया। यहाँ तक कि राज्यपाल से मिलकर भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी कर दी। इसी क्रम में अब पवन जायसवाल ने भी शराबबंदी पर नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने इसे लेकर जदयू को ही जहरीला दारू यूनिट बना दिया, और इतना ही नहीं शराबबंदी को राज्य में फेल बताते हुए उन्होंने जदयू का नया नामकरण कर दिया। इसके आपको बताया कि उनके इस ट्वीट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है, और छपरा शराब कांड के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है। नीतीश की शराबबंदी पर भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इसकी समीक्षा की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा जो पिएगा वो मरेगा, तो क्या जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा, और इसी के कारण अब सुशील कुमार मोदी ने भी अब नीतीश कुमार को पलटी मार बता दिया है। तो देखिए, बिहार के छपरा में शराब कांड के बाद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पिएगा और वो मरेगा, और इतना ही नहीं सदन में अपने संबोधन के वक्त नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया था कि दारू पीने से तो हम मना करते हैं, तुम दारू पी के अगर मरते हो तो तुम्हें लगता है कि अब हम माफ़ी मांगेंगे या सरकार तुम्हें मुआवजा देगी, तो भूल जाइए। अब इन सारे बयानों के बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा ने जोरदार निशाने पर लिया है, और अब जदयू का जो नाम है वही बदलकर जनता दल यूनाइटेड से जहरीला दारू यूनिट कर दिया गया है। और ये जो नामकरण है ये भाजपा के एक विधायक ने किया है। तो चलिए, इस खबर में इतना ही, और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।